चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मतलब घर से बाहर नहीं जब पुलिस रोकेगी ना इनको, ये 10 साल पुराने ट्रैक्टर सारे टूटेंगे। यहाँ पे इस साल का नहीं है, हरियाणा ने कह दिया कि अगले साल 400 रुपया से ऊपर देंगे हम। इस साल का दिया और अगले साल का तय कर दिया। मतलब जितनी ताकत आपस में लड़ने में लगा रहे हैं, इतनी ताकत अगर सरकार के खिलाफ लगाओगे तो थारा भाव बढ़ जाता। अभी कुछ नहीं कहेगी सरकार, अभी तो ये आपको हला रही, एक पर शिकंजा कसती रहेगी। अभी तो इसलिए छेड़खानी नहीं है ना कि यहाँ पे आप दिल्ली के नजदीक हो, इकट्ठे हो जाओ, रोड़ा रुका कर लो। देखो मुद्दा वो तो बिल्कुल ठीक बताई ओमपाल ने कि 17 तारीख वाली पंचायत अगर बाहर देने लगोगे तो लोग 17 तारीख की पंचायत करेंगे और अपना और सब कुछ छोड़ देंगे सब कुछ। और 17 तारीख में इन साल में एक बार 12 बार होगी तो 12 ही पंचायत होगी पूरे देश भर में। एक बार छूट गई थी ऐसे ही तो फिर करीब 10-12 साल बाद में शुरुआत हुई उसकी। ये 17 तारीख की पंचायत तो रहेगी वहीं, और आगे जनवरी में भी इलाहाबाद पूरा का पूरा क्षेत्र ही जाता है इलाहाबाद में। 17 तारीख की पंचायत सिसोली में भी होगी, पंचायत से बाहर कहीं पे भी हो, क्षेत्र से मुश्किल से कितने जाएंगे, 200 आदमी जाएंगे इलाहाबाद में। पंचायत डिस्टर्ब हो जाती है, भाई अब की बार नहीं होगी। वो 17 तारीख की पंचायत हर बार वहां पर होगी, पूरे के पूरे गांव के गांव नहीं जाते। राय यहां पे ऊन में, उनका बढ़िया संगठन वहां पे था लेकिन बिगड़ा हुआ है। बहुत दिन बाद में उनमें पंचायत हुई क्योंकि यहां तो पूरी ताकत पॉलिटिकल, यहां के चैनबंदी के चुनाव में लग जा पूरी ताकत तो यहां बचाई कुछ नहीं। ठीक है, मतलब इतने ही ट्रैक्टर है क्या उनमें, भाई 3 ट्रैक्टर खड़े। ठीक है, यहाँ पे यही है भाई, आज ही बाहर ट्रैक्टर लग जाते सारे के सारे। मतलब घर से बाहर नहीं जब पुलिस रोकेगी ना इनको, ये 10 साल पुराने ट्रैक्टर सारे टूटेंगे। इसे संगठन को बनाओ, मजबूती से चलाओ इसको, जितने भी। और यहाँ पे आपस में भी भाई, मतलब 3 जिलाध्यक्ष यहाँ पे ये भंग कर दिया था, फिर ये बहाल हो गया तो उसका रिजल्ट है ये। पुराने आदमी हैं, उन्हें सबको जोड़ के चलो। सरकार बड़ी खतरनाक आ रही, मतलब हरियाणा में अगले साल का भी रेट तय हो गया। हरियाणा में यहाँ पे इस साल का नहीं है, हरियाणा ने कह दिया कि अगले साल 400 रुपया से ऊपर देंगे हम। इस साल का दिया और अगले साल का तय कर दिया। तो भाई संगठन बनाओ, गांव गांव में जाओ और छोटे ये जिला अध्यक्ष में तो जो कुछ होता रहेगा इनको तो छोड़ दो भाई। अब आप ये ऐसे ही लड़ेंगे, जो सहकारी समिति है उसके अध्यक्ष बनेंगे, सक्रिय मेंबर बनेंगे, और जितने पदाधिकारी हैं उनके सबकी लिस्ट दो, वे ट्रैक्टर प्रमुख बनेंगे सारे के सारे। मतलब ट्रैक्टर प्रमुख की लिस्ट नहीं आ रही, मतलब जितनी ताकत आपस में लड़ने में लगा रहे हैं, इतनी ताकत अगर सरकार के खिलाफ लगाओगे तो थारा भाव बढ़ जाता। मतलब हिम्मत कि एक महीना लेट शुगर फैक्ट्री चली शामली वाली, भुगतान नहीं दिया। ये यहां की आपकी ऊन शुगर फैक्ट्री पैसा ना दे, इसके पास में पैसा है और वो नहीं पैसा दे रहा, तो ये आपस की नाइंसाफी है। संगठन को ठीक करो, गांव के लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, सारा जो भी पैच है वो आपस के पदाधिकारियों में है। जो पुराने लोग हैं, पहले भी जब संगठन बना तो कोई गांव में कमेटी बनाने नहीं गया था, सब कमेटी बन के अपने गांव की कमेटी बनाकर लोग वहां पे देख आ जाते थे। अपना गांवों में ध्यान दो भाई, सब लोग संगठन बनाओ, सक्रिय मेंबर, और जितने भी लिस्ट आप ट्रैक्टर प्रमुखों की दे दोगे, आने वाले टाइम पे ये ट्रैक्टर ही आपकी जान बचाएंगे।
अभी नहीं कुछ, अभी कुछ नहीं कहेगी सरकार, अभी तो ये आपको हला रही, एक एक पर शिकंजा कसती रहेगी, जमीनें आपकी महंगी जाती रहेगी, बाहर के लोग व्यापारी फसल हमारी दिन में नहीं बिखरी और जमीन आप रात को भी बेच दो, जमीन बेच के गुजारा कर लोगे क्या? हमारी फसल बिक का गुजारा होगा, जमीन बिक का गुजारा नहीं होगा, फसलों के दाम नहीं है, सारा व्यापारी जमीन में लग गया, पूरी जमीन व्यापारी खरीद रहा, किसी भी रेट की बता दो आप, सड़क की जमीन सब व्यापारी पर जाली, एग्रीकल्चर में बैनामा करवाओगे, 8 फुट की चक्रोड़ छोड़ेंगे दोनों तरफ, उसमें दीवार करेंगे, अगर उसकी दीवार की एक ईंट भी टच होगी आपके खिलाफ मुकदमे होंगे, पीछे की जमीन फ्री में लेंगे, बराए मेहरबानी करके जमीनों को थोड़ी सी घाट बेच लो, मतलब आपको जमीन में नुकसान है, व्यापारी क्या करेगा भाई, उसमें आप ही कर लो, आपके को जुम्मे पर डाले खेती करनी, व्यापारी तो बाउंड्री करके छोड़ रहा, आप भी ये छोड़ लोगे भाई, जमीन के बगैर मेरा काम चल जाएगा, मैं दूसरा धंधा करूंगा, इसे ना बेचो, थोड़ी सी हड़ताल सी कर दो, अब भाई दे दवाई दे खाद दे दवाई कर्जे पर ले लेके, ये थोड़ा सा कम कर लो, मतलब कितनी दवाई गिर रही है उसमें, बीमार हो रहे हैं उसमें अपने, थोड़ी सी बिना खाद की कर लो, आधी हो जाएगी ना, तो वैसे भी तो बचत हो जाएगी उसकी, इस पर भी एक अभियान चलाना पड़ेगा। अब कहीं थोड़ी सी चिन्नी सी कम हुई, एथनॉल बंद कर दिया, थोड़ा कुछ रेट मिल जाता, कह लगे जी एथनॉल नहीं बढ़ाने की, आंदोलन खत्म हो गए, पुलिस प्रशासन हावी होता जा रहा है आपके ऊपर, कमेटी बनाओ गांव गांव में, संघर्ष फिर होंगे, एमएसपी गारंटी कानून के लिए होंगे, अभी तो इसलिए छेड़खानी नहीं है ना कि यहां पे आप दिल्ली के नजदीक हो, इकट्ठे हो जाओ, रोड़ा रुका कर लो, आप जाओ बिहार में, वहां पे दो ही तरह के लोग बकेंगे, पूरी जमीन उन्होंने छोड़ दी बिहार के लोगों ने, पूर्वांचल के लोगों ने, 800 रुपये क्विंटल धान आपके यहां कोई निकलता ही नहीं सड़कों से, ट्रक भर भर का धान जाएंगे, उसको कोई नहीं रोकता, आप धान लेकर जाओगे तो आपको पुलिस रोकेगी, वो धान कहां से आ रहा है कहां जा रहा, वो धान आ रहा है व्यापारी खरीदता है 800 से 1200 रुपए क्विंटल बिहार से पूर्वांचल से, किसान के नाम पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मंडियों में बिकता है, और किसान का बिकेगा नहीं क्योंकि उसको व्यापारी ने बेच दिया किसान के नाम का, जितना सरकार को खरीदना है वो सीधा सरकार व्यापारी से खरीद रही, ये जो कुछ खरीद हो रही ना ये भी खत्म होगी, संगठन बनाना पड़ेगा, मजबूती के साथ में लड़ना पड़ेगा, नहीं तो और हालात खराब होंगे, और खास करके जो यूथ है, जो युवा है, ये भी अपनी भाई जमीनों की तरफ देख लो, ये भी नहीं पता कि जमीन कहाँ है हमारी, कहाँ हमारा खेत है, कहाँ हमारे कागज पत्तर है, शादियों का ऐसा कंपटीशन चल गया, ये तो कोरोना काल ही ठीक था, मतलब ना बारात की आड़ रह रही ना शादी की आड़ रह रही, मतलब कहाँ जाओगे भाई, कर्जा ले लेके ऐसा इतने पैसे हो गए कि शादियों कुछ आड़ पेड़ रही नहीं, कितने आदमी आ रहे कहाँ रहे, ऐसा ही किसी के मर जाओ कोई तो उसमें भी कंपटीशन हो गया, मौत में भी उसमें भी 10-10 फोन कर रहे जी आना पड़ेगा जी, मतलब मौत में भी कंपटीशन हो गया, कोई अमर होया क्या, जाना सबको है, तो ये सामाजिक सुधार पे भी काम करो, सामाजिक सुधार पे भी काम करो, सुबह ही अपना 9 बजे 8 बजे अमन करो, 9 बजे 10 बजे पगड़ी करो और अपने घर जाओ, ठीक है, ये जो मृत्यु भोज पर उस पर लाड्डू पेल रहे, मतलब घर के तो उनकी औरतें तो रोल लग रही है अंदर, आप लाड्डू पेल रहे पूरे के पूरे, अरे 10 बजे हमन करो, 10 बजे के बाद में जाओ ही ना, सुबह ही हमन बजाओ और 10 बजे उनसे फिरी अपनी करो पगड़ी, ये सुधार करने पड़ेंगे, खर्चे कम करके ही आमदनी बढ़ेगी, ऐसा ही शादियों में हाल हो रहा, मतलब गए वहां पे हापुड़ में गए,
कि लगे जी आप जब तारीख दोगे जब हम रिसेप्शन रखेंगे। अरे तारीख भाई चल रख ले, हमने भी वैसे ही दे दी, मगर 15 तारीख रख ले। डेढ़ महीना पहले उसने 15 की रखकर उसमें कार्ड में नाम और फोटो छपवा रखे, कहले जी बताना पड़ेगा आपने रखा था। मेरे सौरा बहुत बुरी बवाल होगी। गए 8 DJ का रखे, मगर भाई कितने का 8 DJ थे जी, बालक मानने ही नहीं। मतलब क्या होगा कंपटीशन, कहाँ जाओगे, क्या होगा। एक वो सूट पे रहे थे महाराणा प्रताप क्यों विवंशज हो क्या भाई, वो सफारी सूट और उसमें दूल्हा जाओ पहन के, तेरे बाप ने पहना हो, दादा ने पहना हो, तेरे भोर ने किसी ने पहना हो, या आज के बाद में तू पहन के उसे कहीं कुछ चले जाइए। मतलब उस दिन वो शेरवानी बता रहे एक दिन की, अरे महाराणा प्रताप भर के खानदान से हो गया भाई, एक शेरवानी पहन के जाएंगे। अरे अपना 2 कुर्ते भाई वो होता है, 2 जोड़ी अपने बढ़ा ले तेरे काम आ जाएंगे, ऐसे तो बढ़ा लो काम आ जाए। देखो खर्चे कम कर लो खर्चे, एक जन्मदिन की बड़ी बीमारी चल गई। देखिए जोन सा भी जन्मदिन मनाओगा सुन लो बात, कल चो साहब का भी था परसों, जैकवा जन्मदिन होगा एक ही झंडे देने पड़ेंगे अपने गांव में, जन्मदिन मनाओ खूब। जोन से का जन्मदिन का फोटो पड़ेगा, जैकवा जन्मदिन होगा एक ही यूनियन के झंडे उसे गांव में ही बांटने पड़ेंगे। सही बात है, ठीक है जी। अगर 50 को आए तो 50 झंडे दे दे भाई, तो कम से कम हमारा झंडों का काम चल जाएगा। मतलब बहुत बीमारी चलेगी। एक देखे जी दिवाली पे भंते भी आ रहे 1400 किलोमीटर से, नहीं दिवाली पे मैं घर पे जाऊंगा भाई, मैं तीज त्योहार पे घर पे जाऊंगा, मैं पूरा सामान खरीद रहा पूरा घर के लग रहे, बढ़िया दुकान पर बैठा हो, रात को 12-1 बजे जाके ले जो कुछ आज बेच दो। मतलब वो घर में तो अपना सामान काट रहा व्यापारी और आप खरीद रहे, कह रहे नहीं दिवाली पे बहुत शुभ हो भाई, शुभ होता तो व्यापारी का भी होता ना, जो उनका घर में से काट रहा। मतलब इतने तीज त्योहार पर लगा दिए, जो कुछ ये टोटी हो रही ने सब उसमें जाएंगे। इन्हें खर्चों को कम कर लो, सामाजिक आंदोलन भी चलाना पड़ेगा, नशा पत्ती बीड़ी गुटका सिगरेट धुआं उठ रहे यहां से, सब सिलगा रखे एक मिनट में, सबने सिलगा दिए दिल्ली जा रहा सारा। इन्हें भी किसी का छोड़ना हो तो फार्मूला है भाई हमारे पास में, अगर किसी को छोड़ना है तो उसका फार्मूला है। ये भी छोड़ दो, खर्चे कम कर लो और अपने इसे आंदोलन को करो। जितने भी पदाधिकारी है इनकी सबकी लिस्ट दो बना के भाई, जिसके भी ब्लॉक से जो भी है उनको सबको ट्रैक्टर प्रमुख, और एक ट्रैक्टर प्रमुख 25 सक्रिय मेंबर बनाएगा, अपने मेंबर बनाएगा, और जितने भी और पदाधिकारी हैं 25 मेंबर जरूर बना लो अपने गांव से, और जिसके गांव में भी 25 आदमी नहीं है तो क्यों खामखा हमें को भी धोखा दे रहा भाई। अपने मेंबर गांव से बनकाओ, जो उनसे गांव का है वहां से 25 मेंबर अपने बना के आओ, उसकी लिस्ट दो। ये नहीं 10 रुपये का मेंबर, ये नहीं कि 250 रुपये अपने पास से जमा कर देगा, नाम लिख देगा, उसका नाम पता गांव सारा लिखना, उससे इंक्वायरी करवाएंगे असली बना नकली बना। अब ओमपाल सिंह फुगाने से तो बननी नहीं, और आदमी है 25 मेंबर गांव से ही बनकाएंगे भाई, हम भी गांव से ही बनेंगे जहां से हमारा एड्रेस है। ये बनो, अपना इस पे ध्यान दो, संगठन पे ध्यान दो, आपका काम निबट रहा। यहाँ पे भी चलो ठीक है, जितने लोग आए जहाँ पे भी प्रोग्राम रखो, कम से कम गांव के बाहर से 4 किलोमीटर तो ट्रैक्टर खड़े ही हो जाए ना भाई, 100-200 ट्रैक्टर खड़े हो जाएंगे, और ट्रैक्टर मतलब 7 ट्रैक्टर, ये भी इनमें भी कंपटीशन लग रहा नहीं, मैं आगे मतलब 200 मीटर में ही आगे हम पीछा चल रहे। घर से 10 रुपये के मेंबर बनो, अनाज इकट्ठा होता था पहले, जैसे गुरुद्वारे वाले करते हैं, पंजाब में करते हैं, हरियाणा में करते हैं, जिस घर से गल्ला होगा वो संगठन साथ में जुड़ेगा वो परिवार, और जो उनसा नहीं देगा कम से कम पता तो चल जाएगा ये नहीं दे रहा। एक कह ला जी बहुत बढ़िया सरकार है जी, आप खामा खां कह रहे हैं, हम का खामा खां है भाई, हम तो ऐसे ही कहते हैं। जो ट्रैक्टर का 1 साल पुराना, कह ले 30 साल पुराना हो गया, हम का क्यों चला रहा, बिजली कैक चल रही, 3 12 चल रही, मंजूर है 17 हॉर्स पावर, मगर हम खराब हैं।
इसे दे दे मंजूर, 85 हॉर्स पावर चला रहा है वहां पे, 85 हॉर्स पावर देना सरकार से ले ले। मतलब यूनियन खराब सरकार बढ़िया, आपको चला रहा 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर ले रहा 30 साल पुराना, और यूनियन खराब है। ये जोन से अटबट कर रहे ना, जोन सू का ट्रैक्टर है इन पे, ट्रैक्टर के वे लिखो और वे पुलिस जी ने चेक कर लो, जोन सू का मॉडल नंबर नहीं लिख रहा उसे पकड़ लो आप। आज 10 साल पुराना क्यों चला होगा भाई संगठन, जब खराब है तो सही सही चला गए भाई। अब ट्रैक्टर अपने संगठन पे ध्यान दो भाई, अपना चुनाव में जहां जिसको देना है दे लेना, उससे हमारा कोई संबंध नहीं, सब लोग साथ में है। आंदोलन में भी जब दिल्ली भी आंदोलन चला तो वहां पे भी सब पार्टी के लोग थे वहां पे, वो तो एक बीमारी थी चुनाव लड़ने की, उन्होंने सोचा कि ये जितने भी लोग आ रहे हैं ना हम चुनाव लड़ेंगे हमारे साथ में सब, करा उनका इलाज, जो उनका भी चुनाव में गया उसी का इलाज करा। लोग तो बंधे हुए हैं, जो जिसकी आस्था जहां है वो वहां बंधा हुआ है। वे अकालियों को एक दिन कह रहे वहां के अकाली है, वो दूसरा वाला कह रहे हो बाबे थे वे वहां पे लंगर चला रखा, कह रहे भाई उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना हम उसी के ही हैं। उनकी आस्था है सबकी, संगठन में आस्था है, पार्टी अलग चीज है, संगठन अलग चीज है। अब प्रदीप है भाई यहाँ का चेयरमैन बन गया, पहले यहां था, इसने भी कुछ हाथ पांव सा कहीं को मार लिया, अब कम से कम बैठा दो, क्यों किसी के खिलाफ करो। कल इसको सरकार कहेगी अब वहां जा रहा था, हम कुछ नहीं कहते भाई, हमारी लड़ाई सरकारों की पॉलिसी से है। छत्तीसगढ़ में किसी और की सरकार थी वहां लड़ाई लड़े, बिहार में नीतीश कुमार है मंडी बंद कर दी बिहार में, हमने कहा कि दिसंबर तक या तो ठीक कर दे नहीं तो तेरा पूरी जगह विरोध करेंगे, कहां तुझे प्रधानमंत्री बनवाओगे पूरे देश का, मंडी बंद कर दी। व्यापारी जा रहा, जो बुजुर्ग लोग बता देंगे, जो पहले यहाँ पे व्यापारी गांव में अनाज भी खरीदता था, आज वो हाल बिहार में अपनी गाड़ी ले रहा अनाज तुलवावे वहीं पे ही, और गाड़ी भर भर के बड़े बड़े गोदाम बना रखे, वहां से ट्रक भर भर के फिर ये पंजाब और हरियाणा आता है। मक्का में, मक्का का वहां 1200 से 1400 रुपये का रेट है, सरकार का 2100 रुपये के आसपास है, 2200 मतलब सीधा 8000 रुपये टन का नुकसान है, 800 रुपये क्विंटल का। और अगर पूरी फसलों पर लगावे किए तो अकेले बिहार में 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान है। जो बिहार के बताते हैं नहीं कि जी बिहार के लोग मजदूर नहीं आए जी, आप उनसे पूछोगे वे बिहार के किसान हैं सारे, जमीन है उनकी, लेकिन सरकार ने सबसे पहले मजदूर बिहार को बनाया, अब नंबर पूरे देश का है, पूरे देश में लेबर चाहिए मजदूर, वो कहां से आओगा, वो आओगा गांव से, खेत में तो अब रहा नहीं, अब खेती बेचो, जो किसान है वही मजदूर बनेगा। अपनी जमीन बचा कर रखो तुम, और कुछ ना करो इसमें, अपने खाने जो का कर लो, अपने बालकों को भेजो बाहर जहां पे भी कुछ काम मिल रहा, और खर्चे भाई घाट कर लो, कुछ खर्चे कम करके ही आमदनी होगी। तो आपका धन्यवाद है सभी का, और अगली पंचायत 17 की पंचायत भी सिसोली में भी होगी, जिन लोगों को इलाहाबाद जाना है 3 दिन के लिए वो इलाहाबाद में भी जाए, सारे इलाहाबाद में जाते, पंचायत कंटिन्यू होती रहेगी, और फरवरी में भी होगी, 17 तारीख की तो अब की बार वहाँ वो है, 23 तारीख की होगी, 17 के बजाय तो आपका 23 है, वो 23 दिसंबर। तो आपका धन्यवाद, जय हिंद, जय हिंद संविधान।